हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे फ्री एनर्जी लाइट, वो भी सिंपली इन दो चीजों के साथ। ये है इंसुलेटेड कॉपर वायर और ये 12 वोल्ट का बल्ब जो हम अपने बाइक या कार में यूज करते हैं। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है। तो कॉपर वायर लेनी है, उसके 10 घेरे लगाने हैं कुछ इस तरह से। घेरे मतलब राउंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद इसको कुछ इस तरह से सिक्योर कर लेना है, इस तरह से लेना है और बल्ब के एक पॉइंट पर इस तरह से जोड़ लेना है। बाद में दूसरा वायर दूसरे पॉइंट पर जोड़ लेना है। आप देख सकते हैं इसमें कौन सा भी दूसरा वायर जुड़ा नहीं है, फिर भी बल्ब कैसे जल रहा है। देख सकते हैं ये सिर्फ एक ही वायर है, इसमें दूसरा कौन सा भी वायर नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी बल्ब कैसे जल रहा है। बल्ब की रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही है। दोस्तों आपने देखा, सिर्फ एक कॉपर वायर के सहायता से हमने बल्ब कैसे जलाया। आप सोच रहे होंगे कि बल्ब आखिर जला कैसे, फ्री एनर्जी जनरेट आखिर कैसे हुई। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये फ्री एनर्जी नाम की कोई भी चीज़ होती ही नहीं है। एनर्जी जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती रहती है, जिसके कारण ये बल्ब जलता है। ये बल्ब जलने का पीछे का साइंस क्या है, ये बल्ब जो जल रहा है इसके पीछे का ट्रिक क्या है, चलो देखते हैं आगे। दोस्तों चलो देखते हैं इसके पीछे की ट्रिक। इसके पीछे का ट्रिक ये टेबल के नीचे है। टेबल के नीचे मैंने ये इंडक्शन रखा हुआ है और इंडक्शन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे चलता है। इसकी जो ये कॉइल होती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता रहता है, और जो ये आयरन का पीस रखने के कारण जो कॉइल में का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लीकेज होता है और वो ऊपर हमारे बल्ब के पास आता है। देखो अभी मैं दिखाता हूँ, तो पहले इंडक्शन चालू करते हैं। ये आयरन का पीस रखने के कारण इसके अंदर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लीकेज होता है और वो ऊपर आके ये कॉइल में ट्रांसफर होता है, उसके कारण ये बल्ब जलता है। दोस्तों ये फ्री एनर्जी नाम की कोई भी चीज़ होती ही नहीं। इंटरनेट पे हम बहुत सारी वीडियो ऐसे देखते हैं कि कुछ भी करते हैं लोग और फ्री एनर्जी जनरेट होती है, बल्ब जलता है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। एनर्जी सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती रहती है, इसके कारण ये बल्ब जलता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। चलो बाय।